हेलो बच्चों, आज हम प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम कई बार कहते हैं कि आज बरसात आने की संभावना है या अमन के क्लास में प्रथम आने की संभावना है। हम कई बार कुछ होने की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कभी कभी हम कुछ तय करने के लिए सिक्का भी उछाल कर निश्चित करते हैं, जैसे यदि हेड आया तो आप स्काउट कैंप में जाओगे, यदि टेल आया तो आप पड़ोसियों के साथ पिकनिक पर जाओगे। तो स्काउट कैंप को चुनने की संभावना कितनी है? जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड्स आएगा या फिर टेल, तो केवल दो ही चीज हो सकती है। और यदि हेड आता है तो आप स्काउट कैंप जाओगे, नहीं तो आप पिकनिक पर जाओगे। तो उन दो में से एक परिणाम यानी कि हेड और टेल में से हेड आने पर आप स्काउट कैंप का चयन करेंगे। चलिए मान लीजिए कि यदि इन सब बातों को हम इस फुल सर्किल से दर्शाएं, तो कुल दो में से एक परिणाम यानी कि पूरे परिणाम का आधा आने पर आप स्काउट कैंप जा सकते हैं। कहानी में हमने देखा कि राजू के अंकल के बताने के लिए कि उसे गणित में 80% से अधिक अंक ही मिले होंगे, डाइस का इस्तेमाल करते हैं। अंकल ने उसे कहा कि यदि इस जादुई डाइस में एक या कोई अन्य अभाज्य यानी कि प्राइम आता है तो उसे 80% से ज्यादा अंक मिले होंगे। और क्या हुआ? डाइस ने 1 दिखाया, जिसका मतलब ये है कि उसे 80% से ज्यादा अंक मिले थे। क्या ये सचमुच जादू था? नहीं, अंकल जानते थे कि राजू एक होनहार विद्यार्थी था और उसे अच्छे ही अंक मिले होंगे। फिर अंकल को इतना विश्वास क्यों था कि डाइस में उनके पसंद का ही 1 या कोई अन्य प्राइम नंबर ही आएगा? जैसा कि हम जानते हैं कि डाइस में 6 नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। इन 6 नंबर्स में से 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि वो नंबर जिनका फैक्टर्स या तो 1 है या फिर वह नंबर स्वयं है 1 को मिलकर, जो कि न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर। हमारे पास 6 में से 4 नंबर ऐसे हैं जो पक्ष में हैं, तो 1 या कोई प्राइम आने की संभावना 6 में से 4 है, यानी कि 3 में से 2 है। इस तरह इनके आने की संभावना ज्यादा है। जब भी अंकल किसी बात के लिए आश्वस्त होते थे, वे सिर्फ झूठ कह देते थे कि ऐसा ही होगा, क्योंकि डाइस में एक या प्राइम नंबर आने की संभावना ज्यादा है, ये 3 में से 2 है। इस तरह कहानी में हमने देखा कि राजू के अंकल ने ड्राइंग कंपटीशन में उसके जीतने की गारंटी दी थी और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। अंकल जानते थे कि राजू ड्राइंग में निपुण है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए उन्होंने अपने डाइस को जादुई बताकर उसका इस्तेमाल राजू को ये विश्वास दिलाने के लिए किया कि जीत उसकी ही होगी। और उन्होंने ऐसा कैसे किया? एक बार फिर, जैसा कि उसकी जीत की संभावना ज्यादा थी, इसलिए उसके अंकल ने कहा, यदि डाइस फेंकने पर कोई प्राइम और 1 आएगा तो जीत राजू की ही होगी। और क्या हुआ? डाइस में 3 आया और इससे राजू को ये यकीन हो गया कि वह जीतेगा, इसलिए उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से वो जीत गया। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता को हम परसेंटेज में दर्शा सकते हैं। कहानी में इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 1 या प्राइम नंबर ही आएगा 2/3 थी। परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसे 100 से गुणन करेंगे। 2/3 × 100 = 200/3 = 66.66%। चलिए मान लेते हैं कि राजू ने माई टीचर कॉम्पिटिशन में भाग लिया है और वह अन्य 7 प्रतियोगियों के साथ फाइनल में पहुंच गया है, तो राजू के जीतने की संभावना कितनी है? 8 में से 1। तो 8 में से 1 जीत सकता है, क्योंकि जीत किसी की भी हो सकती है। इस तरह राजू की जीतने की संभावना उन 8 में से 1 थी, जो कि 1/8 है। राजू के जीतने की संभावना को राजू के जीतने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ राजूज विक्ट्री भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रायिकता द्वारा किसी अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। मान लीजिए सभी संभावित परिणामों को
एक पूरे होल सर्किल या वन से दर्शाते हैं तो राजू के जीतने की प्रायिकता सर्किल का 1/8 होगी। तो हमने देखा कि अधिकांश अवसरों की प्रायिकता सामान्यतः 0 और 1 के बीच होती है, लेकिन कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि ये तो जरूर होगा। क्या एक बिल्ली कुत्ते को जन्म दे सकती है? इसकी प्रायिकता क्या है? ये असंभव है, इसलिए प्रायिकता 0 होगी। क्या कल सूरज पूर्व दिशा से निकलेगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसलिए यहाँ प्रायिकता 100% या 1 है। तो जो होना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होगी, और जो अवश्य ही होगा उसकी प्रायिकता 1 या 100% होगी। तो याद रखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना का मापन है। यदि ए एक घटना या इवेंट है, इस घटना या इवेंट ए के होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कितनी है? यदि घटना का होना निश्चित हो तो इसकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 होगी। उदाहरण के लिए सूरज के पूर्व से उगने की प्रायिकता 1 है। किसी ऐसी घटना जिसका होना असंभव हो उसकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 होगी। उदाहरण के लिए एक बिल्ली द्वारा कुत्ते को जन्म दिए जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है? अन्य घटनाओं की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होती है। एक सिक्के को उछाले जाने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 में से 1 होती है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।